आप देख रहे हैं सिटी न्यूज टुडे लाइव। बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ कटरा प्रखंड अंतर्गत लखनपुर में कुशल युवा कार्यक्रम, शिक्षक सम्मान समारोह एवं तकनीकी कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मंत्री राजभूषण निषाद तथा कटरा BDO ने प्रोग्राम का शुभ आरंभ किया। इस मौके पर स्कूल के विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में कटरा प्रखंड वासी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। हमारे कटरा संवाददाता श्रवण कुमार ने आए हुए सांसद श्री राजभूषण निषाद से ज्वलंत मुद्दे पर बात की, जो कि औराई विधानसभा से रिलेटेड है। हमारे संवाददाता ने सीधे सवाल में श्री राजभूषण निषाद जी से पूछा गया कि औराई विधानसभा कब चचरी मुक्त होगा, और दूसरा प्रश्न उन्होंने जर्जर सड़कों को लेकर उठाया। ये काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है और आम जनता इससे त्रस्त है। देखिए ये खास रिपोर्ट हमारे कटरा संवाददाता श्रवण कुमार झा की। सर, आपसे हम दो सवाल पूछेंगे। और आज विधानसभा चचरी मुक्त कब होगा? सर, जनता बहुत आज से आपको वोट दिया और इतना वोट से आपको जीत मिला। देखिए, आपको आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा पुल पुलिया के लिए हमने सरकार को लिखा है, और आने वाले दिनों में मेरा मानना है कि उसमें बहुत सारे पुल पुलिया बनेंगे भी। समय आने दीजिए, थोड़ा अभी तो जस्ट 2-3 महीना हुआ है कल, और अभी जल्द ही शुरू हो जाएगा। सर, जिस गांव में आप बैठे हैं लखनपुर, यहां से जजुआर जाने में आधा घंटा सुपर लगता है। रोड की स्थिति बहुत डेंजर है सर, ठेहुन भर से ज़्यादा गड्ढा है, इतना स्थिति गंभीर है। आपका कहना बहुत सही है, और हम आज और इससे पहले भी आते रहे हैं यहां चुनाव के दरमियान, और आज जब वर्षा के बाद आए तो यहां की स्थिति काफ़ी दुखद है और बहुत परेशानी है यहां के लोगों को मुख्यालय जाने में। तो इस क्षेत्र के विकास के लिए हमने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आने वाले दिनों में हम लोग रोड बनाएंगे और मुजफ्फरपुर जिला का सर्वांगीण विकास होगा, ऐसा मेरा प्रयास है। बस समय का थोड़ा इंतजार किया गया। कुशल कार्यक्रम में आप शामिल हुए थे आज, सर को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, संदेश देने की जहाँ तक बात है, एक्चुअली सबसे पहले तो हमें जो आज का जो कार्यक्रम था उसमें शिक्षक सम्मान समारोह था, उसके हिसाब से हमें आमंत्रित किया गया था और मैं आया था। यहाँ आने के बाद हमें मंच संचालन का भार भी दिया गया था। और आपका क्या सवाल था? कौशल युवा के लिए, उसमें जो IT सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आज के युग में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इनकार नहीं कर सकते, और वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो। उस ज़माने में भी लोग चाय की चुस्की भी लेते थे तो अखबार न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद। आज थोड़ा सा परिवेश बदल गया है, और अमूमन पहले के भी लोग आज भी न्यूज़पेपर देखते हैं, रेडियो सुनने वाले अब भी सुनते हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। बहरहाल, अब जो इसमें एक क्रांति आ गई है, जैसे चौथे स्तंभ में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो फील्ड हुआ है, सोशल मीडिया के रूप में, यूट्यूबर के रूप में, ब्लॉगर्स के रूप में, ये बहुत ज़्यादा इसमें क्रांति आ गया है। तो कहीं ना कहीं लोग काम कर रहे हैं, तो IT का जो ब्रांचेज है या फिर कह लें कि क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, ये बेहद पैमाने पर है। और आज जहाँ हम आए हैं, यहाँ तो पहले से भी कॉम्पिटेटिव पढ़ाई होती है, और उसके अकॉर्डिंग तरह तरह का जो पैकेज है, 3 महीने का, 6 महीने का, साल भर का, जो बेनिफिशियरी है वो बच्चे को मिलती है। और आज भी उसमें कुछ कड़ी जुड़ी है, जो न्यू फैकल्टी है उसका उद्घाटन होना था और मंत्री जी के द्वारा। कितने बच्चे जुड़े हैं आज? आज अकॉर्डिंग टू मैं जो देखा हूँ बाहरी तौर पर, लगभग आज 57-58 बच्चे मेरे सामने में जुड़े हैं, जो इंक्वायरी कर रहे थे, पूछ रहे थे, पहले से भी कुछ जुड़ गए थे, कुछ जुड़ने के कगार पर थे, और आज के बाद जो उसका रुझान होना है जुड़ने का वो ज़्यादा होगा। सर, आपका परिचय? मेरा नाम कवि शेखर झा हुआ, और हम हाई स्कूल में कार्यरत हैं संगीत शिक्षक के रूप में। कौन सा हाई स्कूल? अस्थुआ हाई स्कूल में, सिंगवारा ब्लॉक में है। सर, कुशल युवा कार्यक्रम का संचालक आप हैं, सर इस कार्यक्रम करने का उद्देश्य क्या था सर आपका? देखिए, एक हम लोग यहाँ पे पहले CSE केंद्र चलाते थे, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मेरे पास आते थे, बोलते थे कि भैया हमको कंप्यूटर सीखना है,
उसी कड़ी में हमको बिहार सरकार की योजना कुशल युवा कार्यक्रम के बारे में जानकारी मिला, तो हम इसमें इंटरेस्टेड हुए और बचपन से हमको कंप्यूटर यानी डिजिटल सेक्टर में बहुत मन लगता था। सोचे कि ऐसे क्यों ना ऐसे इस कार्यक्रम को गांव में लाया जाए। जब शुरुआती दौर में 2016 में जब सेंटर खोले, 2-3 महीने बहुत स्ट्रगल हुआ, तो उस समय बच्चे को इसे बताते थे तो सरकार को भरोसा नहीं था कि फ्री में चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन जैसे सरकारी चीज़ होने के बावजूद भी धरातल पे काम कर रहा है और पिछले हम लोग 2016 से अभी तक चला रहा है सेंटर, लगभग 2400 से प्लस स्टूडेंट की YP का प्रशिक्षण है जो कि मुफ्त प्रशिक्षण है। इसमें हम लोग लैंग्वेज स्किल, IT और सॉफ्ट स्किल का ट्रेनिंग देते हैं 3 महीने का, और 1000 रुपये सिर्फ जो है सिक्योरिटी मनी इसमें लगता है। कोर्स पूरा होने के बाद वो भी पैसा वापस हो जाता है। और आपको जान के अच्छा लगेगा कि KYP पास करके बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि खुद का स्वरोजगार कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं और अपना लाइफ अच्छा बना लिए हैं। साथ ही साथ KYP के बाद, मतलब KYP का स्लोगन ही है कि कुशल युवा कार्य, मतलब कुशल युवा समृद्ध युवा, सपना आपका संकल्प हमारा। मतलब KYP कीजिए, अगर आपका कोई सपना है सपना पूरा करने के लिए सरकार पैसा देती है 4 लाख रुपया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, जिसमें गार्जियन का कोई नहीं, सरकार का पूरा गारंटी है। कोई बच्चा ऐसा है जो पढ़ाई करके उसको ना मतलब आगे नहीं पढ़ना है, रोजगार की तलाश में जाना है, तो बेरोजगार युवाओं के लिए स्वयं सहायता भत्ता, उसमें 1000 रुपया महीना उसको 2 साल तक मिलता है। इन सभी योजनाओं के माध्यम से युवाओं का विकास हो रहा है और हम लोग सेंटर चला रहे हैं। आज इस सेंटर के बदौलत हम लोग पे मतलब 50 से 100 लोग आश्रित है, यानी जैसे अभी हम हैं हमारे घर में 10 से 15 लोग हैं, KYP के ही पैसे से मतलब मुझे पूरा भरण पोषण होता है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे स्टाफ है, तो मुझे कि सरकार एक तरह से बच्चों को भी सिखा रहा है और रोजगार भी दे रहा है। आज पूरा बिहार में 1700 से प्लस सेंटर है, तो मान के चलिए कि 10,000-20,000 जो है रोजगार उस KYP के माध्यम से मिला है, और लगभग 25 लाख प्लस KYP के विद्यार्थी हैं जो KYP किए हैं और या तो वो क्रेडिट कार्ड में मूव किए हैं या तो वो जॉब कर रहे हैं। तो सरकार का ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जो कि धरातल पर काम करिए और बहुत ही मतलब आगे बढ़े सक्सेस की तरफ। धन्यवाद सर। शिक्षक सम्मान समारोह आज रखा गया था, इसका उद्देश्य क्या था? देखिए शिक्षक सम्मान समारोह मेरा रखने का ये उद्देश्य था कि देखिए हर व्यवसाय में लोग काम करते हैं तो पैसा मिलता है, लेकिन शिक्षक जो है ऐसे व्यवसाय है, यानी बोलिए कि उसको लोग अभी के जो दौर में बोलते हैं व्यवसाय, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि पहले के जमाने में भी गुरुकुल हुआ करता था, जिसमें विद्यार्थी शिक्षक है वो निस्वार्थ भाव से काम करते थे। हम उसमें चिन्हित करके जो भी मतलब जिनका पहुंच हमारे पास था, जिनको हम जानते थे, जहाँ तक अभी इसमें कुछ ऐसे शिक्षक भी रह गए होंगे जिनको इन्विटेशन नहीं मिल पाया होगा, क्योंकि अभी धीरे धीरे हम उन तक भी पहुंचेंगे। तो हम लोग ऐसे शिक्षक को सम्मानित किए हैं जो निस्वार्थ भाव से बच्चे के हित के लिए काम कर रहे हैं, वो फीस से बढ़ के यानी पैसा ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसके अलावा उनके मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनके जीवन के बारे में सोच रहे हैं और उनका उत्थान कर रहे हैं। उन लोगों को हम लोग चिन्हित करके आज सम्मानित किए हैं, और ये सम्मान उनका हक है, उनको हर साल अभी हम लोग ऐसा मतलब आगे खाका तैयार कर रहे हैं कुशल युवा कार्यक्रम के बैनर तले, हर साल हम लोग शिक्षक दिवस के अवसर पे शिक्षक मतलब सम्मान सप्ताह मनाएंगे और उस सप्ताह में उनको शिक्षक को सम्मान देंगे। सर आपका परिचय? मेरा नाम कृष्णा कुमार है, MKYP सेंटर लखनपुर के सेंटर ऑनर है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के शिक्षक सम्मान समारोह में मुझे आमंत्रण करने के लिए, इज्जत अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसके पहले भी मंच असीम बिहार सरकार के मंत्री माननीय हरी सहनी जी, लाल बाबू सहनी जी, अमित परिमल जी, स्थानीय मुखिया रामनाथ सहनी जी, कटाई के मुखिया एवं अन्य जितने भी कार्टून हैं यहाँ पर, यहाँ पर जितने भी वॉलंटियर्स हैं, आयोजक हैं, पत्रकार महोदय और लखनपुर की सभी सम्मानित जनता को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ के जो विद्यार्थी लोग हैं, यहाँ के जो पठन पाठन में करने वाले जो बच्चे हैं, ये थोड़ा अनुशासित रहे। फोटोग्राफी लेना उद्देश्य नहीं है, बात को समझने की, किस लिए शिक्षकों को, राष्ट्र के निर्माता को यहाँ पे सम्मान दिया गया है, तो अनुशासन आप लोगों को सिखाया होगा। आप लोग थोड़ा अनुशासन में रहे, इस तरह पिक्चर लेना कोई जरूरी नहीं है। और यहाँ पर जो भी सम्मानित जनप्रतिनिधि माननीय मंत्री जी आए, उनकी बातों को धैर्यपूर्वक सुने, समझे और जीवन में अमल करें। समुंदर के कश्ती के मुसाफिर ने कभी समंदर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने कभी समंदर नहीं देखा, जिस दिन से चला हूँ
रास्ते पे मेरी नज़र है, कभी मैंने मील का पत्थर नहीं देखा, और ये जो क्या फूल मुझे विरासत में मिले हैं, तूने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो यहाँ जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी यहाँ दर्शन के इच्छुक लोग हैं, इनसे मेरा अनुरोध है कि वो लोग मेहनत करें, अपने मुस्तकबिल को बनाएं, अपने भविष्य को बनाएं, और शिक्षकों से जो भी शिक्षा मिली है आपको उस पर अमल करें। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ माननीय मंत्री जी का कि अपना व्यस्तम समय निकालकर लखनपुर जैसा ये छोटी जगह में ये आए और हम लोगों को कृत किया, अनुग्रहित किया। इनके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मंत्री जी का। मैं पहले से भी जानता हूँ उनको, और आपको आपको बहुत आश्चर्य होगा कि ठीक बगल में सनापुर है, सीमा के उस पार भी हमने सेवा दी है बतौर सिंहवारा के प्रखंड विकास पदाधिकारी, और आज मुझे सौभाग्य है कि बॉर्डर के इस तरफ भी लखनपुर में भी आकर बहुत ही भावुक महसूस कर रहा हूँ आप लोगों के बीच रह करके। और मैं भी वादा करता हूँ, मैं भी प्रण करता हूँ कि लखनपुर के सर्वांगीण विकास के लिए जो भी हर संभव प्रयास होगा हम जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।